मंडला यातायात पुलिस ने नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की। इसमें यातायात पुलिस अब हादसों को रोकने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को यातायात का पाठ पढ़ा रही है। इसको लेकर सूबेदार योगेश राजपूत नेशनल हाईवे से सटे पद्मी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा कर यातायात के बारे में जानकारी दी। इस पाठशाला में ग्रामीणों को बताया कि आपको हाईवे पर कैसे चलना है, सड़क चिन्ह रोड मार्किंग के बारे में भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों को हाईवे पर लगे एक एक साइन बोर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि आपको कैसे गाड़ी चलानी है, कहां रुकना है और आपके वाहन की गति कहां कितनी होनी चाहिए। दरअसल मंडला जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर चिकनी सपाट सड़क बनने से वाहनों की रफ्तार तेज हो गई है, जिसके चलते रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। हाईवे बनने के कारण लोगों के वाहन की रफ्तार तो बढ़ गई, लेकिन लोगों में जागरूकता और यातायात नियमों की कमी है, जिसके चलते दुर्घटनाओं को आमंत्रण मिल रहा है। मंडला जिले से NH-30 नेशनल हाईवे 30 जो है वो गुजरता है और अभी इसका निर्माण कार्य जारी है। देखने में ये आ रहा है कि NH-30 पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटना के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है, ग्रामीणों की, खासतौर पर ग्रामीणों की। तो इसी को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर ट्रैफिक पुलिस ने एक सेमिनार प्लान किया है, जो हम इन ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जो हैं जो हाईवे से सटे हुए हैं, वहाँ जाकर हम ग्राम पंचायतों में वहाँ के ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरीके से हाईवे पर वाहन चलाना चाहिए, किस चिन्ह का क्या मतलब होता है, रोड मार्किंग क्या होती है, कैसे वो अपने आप को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इस संबंध में हम विस्तृत जानकारी पंपलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से दे रहे हैं और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये हमारा प्रयास है, जो लगातार इन ग्रामीण क्षेत्रों में, हाईवे के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चलते रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना की और पुलिस को धन्यवाद दिया। ग्राम पंचायत खरदेरा, जिसे पद्मी चौराहा कहते हैं, और हमारे मंडला जिले के यातायात प्रभारी के द्वारा आज ग्राम पंचायत में उनका आगमन हुआ। इस विषय को लेकर के जो निरंतर यहाँ आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं चौक पे, उसी विषय पे आज महोदय जी का आगमन हुआ। इस विषय को लेकर के सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और माननीय यातायात प्रभारी के द्वारा ये पूरी जानकारी, यातायात के नियम बताया गया ग्रामीणों को कि आप किस तरह नेशनल हाईवे में आपको चलना है, उनको पूरी तरह जानकारी दी गई कि स्कूल कहाँ होते हैं, अस्पताल कहाँ होते हैं, कैसी गाड़ी चलाना है, पट्टी पे कैसे चलना है, अपने बच्चों को कैसे समझाना है। और निरंतर वो अधिकारी के द्वारा ये बोला गया हमारे महोदय जी के द्वारा कि हम बार बार आपको आएंगे, समझाइश देंगे और सुरक्षा हमारी अपने ऊपर है कि हम जो जानकारी नेशनल हाईवे की है, जो यातायात के नियम है, उसका हम पालन करें। मंडला से आनंद खरे की रिपोर्ट।